और पारस जी के वजह से ही जो लोजपा 2005 में याद करिए 29 सीट जीती थी, और जब से ही प्रदेश अध्यक्ष बने पार्टी को लिट गई। पार्टी को अगर बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो रामविलास जी का तो बहुत नाम था, लेकिन इनकी नीति, इनके कर्मों, इनके काम के स्टाइल से, चूँकि ये घर में इसी रूम में बैठ करके पार्टी चलाते थे और 10 दलालों के बीच में चलाते थे, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है। जनता दल यू की दिल्ली में बैठक होने वाली है, कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल सकते हैं, और बिहार में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और भी ऐसी कई बातें वो चल रही है, उन तमाम बातों को लेकर अभी हम बात करेंगे। और लोजपा रामविलास कितने सीटों पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रदेश के संगठन मंत्री हैं इंजीनियर रविंद्र जी, इनसे ज़रा हम बात करेंगे। तो क्या कुछ कहिएगा रविंद्र जी, जिस प्रकार से अभी चल रहा है जदयू का जो अंतर्कलह था, अब वो राष्ट्रीय बैठक होने वाली है दिल्ली में, तो उसको लेकर। देखिए, जदयू माननीय नीतीश कुमार जी, जदयू में जहाँ जो हो रहा है और नीतीश जी जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरीके का करैक्टर बिहार की जनता को दिखा रहा है, तो जदयू तो समाप्त है। जदयू बोल करके अब जनता के बीच में कुछ भी नहीं, चूँकि हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, लोग नाम नहीं सुनना चाहते हैं जदयू का। और अभी ये जो भी दिल्ली में होने जा रहा है 29 तारीख का, बहुत एक हाइप क्रिएट किया गया है 29 तारीख के बारे में, ये हाइप वगैरह नहीं है। नीतीश जी का एक अपना स्टाइल होता है, माहिर है उसमें राजनीति में, और ये प्रेशर राजनीति है। आज जहाँ तक ललन बाबू की बात है, तो ललन बाबू ने जनता दल यू को कुछ दिया नहीं है। ललन सिंह ने का कहना था जी, ने जनता दल यू को दिया ही कुछ नहीं है, अना ललन सिंह के वजह से वहाँ पर एक वोट है ना, वो तो कैरेक्टर दिखाई दे दिया ना। आप जाइए ना, थोड़ा सा पीछे जाइए, 2010 में जाइए, 2010 में वो कहते थे नीतीश जी के पेट में, यही ना कहने वाला है नीतीश जी के पेट में दांत है, दूसरा कोई नहीं कहता, और उस दांत को उखाड़ने के लिए भरसक प्रयास किया, खूब प्रयास किया, सब जगह जा के कहीं कांग्रेस का कहीं किसी का प्रचार किए। लेकिन आप एक चीज बताइए, वो एक दांत क्या उखाड़ते उस समय नीतीश कुमार जी बड़े कद से निकले 2010 में, तो ललन जी का क्या अस्तित्व है पॉलिटिकली, ये ललन बाबू को खुद समझना पड़ेगा। ललन सिंह का बयान चिराग पासवान को लेकर जब सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि चिराग मॉडल ये वो कुछ भी नहीं है, वो कोई नेता है जी, आप ही लोग बार बार सवाल करते हैं, जैसे आप जदयू को कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं, उसी प्रकार से चिराग पासवान को नेता और पार्टी मानने से इनकार करते हैं। देखिए एक चीज़ देखिए, 2020 में चिराग पासवान अगर ना होते तो आज नीतीश कुमार कहीं और होते, लेकिन नीतीश कुमार को क्या बोलता है उसको, अर्श से उठा के फर्श पर पटकने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो चिराग मॉडल है, और उसी चिराग मॉडल का बार बार ललन बाबू जब महागठबंधन के साथ गए जिस समय से, बार बार उसका नाम, आज चिराग मॉडल के वजह से जदयू नीतीश जी की पार्टी 190 सीट वाली 40 सीट पे आकर के 42 सीट पे आकर ठहर गई। तो चिराग जी का महत्व क्या है नहीं है वो बिहार की जनता जानती है, और आज बिहार की जनता बता चुकी है कि चिराग पासवान किस शख्स का नाम। एक छोटा छोटा आम सभा भी करते हैं तो हजारों की संख्या में वहाँ पर, और मैं ये बात देखिए, चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी है हम लोग, जात पात धर्म की कोई राजनीति नहीं कर रहा। चिराग जी से मुंह से आप कभी भी जाति का कोई, ठीक है एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बनता है कि भाई वो पासवान जाति से आते हैं इसीलिए पासवान की राजनीति करते हैं, तो पासवान तो उनके साथ में खड़ा है, 2020 का विधानसभा ही बता दिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे आप दलित कहें, महादलित, माने जितने भी कास्ट की हुआ है पढ़े लिखे, जिनको राजनीति और बिहार की स्थिति और परिस्थिति को समझ में आ रहा है कि नेताओं ने हमें सिर्फ बांट बांट करके, कास्टिज्म में बांट करके हम पर राज किया है, बिहार को दिया कुछ नहीं, क्योंकि नीति आयोग का भी रिपोर्ट है कि बिहार में
प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम। जो भी स्थिति है, भाजपा भी इसकी थोड़ी सी जिम्मेदार है ना। गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले की संख्या सबसे ज्यादा नहीं, भाजपा जिम्मेदार सरकार में रही है, इसीलिए 10 साल काम किया। ठीक है, सरकार में रही है, भाजपा ने ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, अगर रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। साल आप भी रहे सर, हम सरकार में कभी नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी 2017 में जब चिराग नीतीश जी आए दोबारा, जिस समय नीतीश जी छोड़ दिए थे एनडीए, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी, और ऑल ऑफ ए सडन बीच में फिर से महागठबंधन से टूट करके एनडीए का हिस्सा बन गए। उस समय ऑलरेडी हम पहले से एनडीए का हिस्सा थे और हम सरकार में न थे। और आप याद करिए कि 2019 से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश जी की नीतियों के खिलाफ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प लेकर के मैदान में उतर चुके थे। जदयू कहती है कि भाजपा के बी टीम है चिराग। गलत है, कोई बी टीम ए टीम। देखिए चिराग पासवान की एक सोच है बिहारियों के, बड़े बड़े नेता भाई साहब, देखिए पॉलिटिक्स में बोलने के लिए किसी को मना ही है क्या? इसी की तो आज़ादी है भारत में, बोलते रहे। लेकिन चिराग पासवान 2019 में ही एनडीए में रहते हुए, उनके पापा मंत्री थे केंद्र में रामविलास जी, लेकिन उसी समय बिहार में मुख्यमंत्रियों के नीतियों के विरुद्ध, जल नल योजना हो चाहे 100 डायल्स का बात हो, तो उसी समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मिशन और विजन का डॉक्यूमेंट्स लेके चिराग पासवान बिहार में कुछ चुके थे। और कितने जिलों का हम लोगों ने भ्रमण किया, ये तो नीतीश जी का समझिए या जदयू का तकदीर था कि कोरोना काल आ गया। अगर कोरोना काल नहीं आती ना, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 2020 में हिट हो जाता। मगर अभी और आगे की आप लोग की बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, उससे पहले हम पूछेंगे, लोकसभा चुनाव है और दो लोजपा है आप लोगों का। अच्छा, चाचा जी दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान की जितनी सीटें मिलेगी उससे एक सीट हमारी ज़्यादा होगी। पहला चीज तो मैं आपको ये बता दूँ कि दो लोजपा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। आरएलजेपी या एलजेपी, रामविलास, वो लोजपा नहीं है। लोजपा एक ही है, वो है लोजपा रामविलास, और लोजपा रामविलास का ही संगठन है, लोजपा रामविलास का ही चहेते बिहार में है। पशुपति जी तो मंत्री हैं, मोदी जी के सरकार में मंत्री हैं। पशुपति पारस जी अपने भाई रामविलास पासवान की पीठ में छुरा भोंके, आज रामविलास पासवान, मैं हाजीपुर से आता हूँ और हम लोगों ने रामविलास जी के नाम पर पशुपति पारस जी को वहाँ से जिता के भेजा। और मंत्री बनने के लिए उन्होंने घर को तोड़ने का काम किया और मंत्री बन गए, नीतीश जी के सौजन्य से कही। पर पारस जी का बयान आप सुनते हैं कभी कभी? देखिए बयान देने के लिए तो सारे लोग कहते हैं, असली उत्तराधिकारी रामविलास पासवान ने हमें हाजीपुर भेजा था, अलौली में भी जब वो छोड़े तो अलौली गए, इन्हें हाजीपुर छोड़े थे हमको भेजे, तो वो अपने आप को उत्तराधिकारी बता रहे हैं अभी भी। ये तो रामविलास जी की महानता थी कि उन्होंने जब कहा कि मैं अभी हाजीपुर से स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ सकता चुनाव, तो चिराग जी ऑलरेडी जमुई से सांसद थे, दोबारा वहाँ से लड़ रहे थे, तो सीट खाली थी, तो भाई को उन्होंने मौका दिया। अब उस मौका को आप कहिए कि मैं वारिस हूँ, और वारिस कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी राजा का या किसी भी लोकतंत्र न है कोई भी बन सकता है। नहीं नहीं सुनिए ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वारिस हमेशा, अगर वारिस शब्द यूज होता है जी, तो वारिस हमेशा पुत्र बनता है। ठीक, और पुत्र को रामविलास जी ने बहुत पहले ही संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना के लोगों को समझा दिए थे। पारस जी ना मान रहे हैं, एक सेकेंड, लोगों को समझा दिए थे कि मेरा वारिस चिराग पासवान है, और 2019 के बाद में उन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पारस जी के सामने ही बना दिया। तो उस दिन पारस जी सोए हुए थे क्या? अगर उनको लगता था कि मैं वारिस हूँ तो उन्होंने उस दिन क्यों नहीं क्लेम किया जी? वो थे क्या? वो हैं क्या पार्टी में? अगर वो कुछ रहते तो आज उनकी भी पार्टी का एक संगठन बिहार में रहती। पर अब
ऐसा लगता है कि भाजपा पारस जी को ज़्यादा तरजीह देती है, मंत्री भी बनाए, फिर मोदी जी तो अब सब दोनों को लगता है मैनेज करके चल भाजपा चाहती है। देखिए अब एक चीज़ देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा इस सिद्धांतवादी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, और चूंकि जब पार्टी तोड़ के लोग गए, इनको नीतीश जी की कृपा से भाजपा ने जब इनको कृपा और कोटा बोली, नीतीश जी के कोटा से मंत्री बने, कृपा प्लस कोटा, ये लोजपा के कोटा से मंत्री नहीं बने, लोजपा के पांच गो सांसद, हाँ तो उस कोटा से नहीं मंत्री, ये जदयू के कोटा से मंत्री बने, ठीक। और जदयू के कोटा से जब मंत्री बन गए तो बन गए, अब तो सरकार मान लीजिए दो ढाई महीना का बचा हुआ है, दो ढाई महीना के बाद चुनाव में जाना है, तो काहे के लिए इसमें नरेंद्र मोदी जी अब इनको दो ढाई महीना के लिए हटाने के लिए जाए, है। और चिराग जी को लोग और भाजपा भी चाहती थी कि मंत्री बन जाए, लेकिन चिराग जी ने बोला नहीं मैं बिहार फर्स्ट की लड़ाई लड़ूंगा, मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है बिहारियों के बारे में सोचना और बिहार को एक अव्वल दर्जा का स्टेट बनाना। चलिए, ये बात कर रहे थे हम लोजपा रामविलास के प्रदेश के संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र जी से। उनका कहना है कि असली लोजपा हमारा है, लोजपा एक ही है, आप लोग चाहे जो भी कहिए, मगर पारस जी से मिलिएगा बताइएगा तो कुछ और एकदम आक्रमण बोल देते हैं, एकदम चिराग पासवान का नाम सुनते। देखिए देखिए देखिए, पारस जी चूंकि हमारे लोकसभा से हाजीपुर से आते हैं और मैं भी कभी उनके बहुत नज़दीक रहा हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पारस जी क्या है, और पारस जी के वजह से ही जो लोजपा 2005 में याद करिए 29 सीट जीती थी, और जब से ही प्रदेश अध्यक्ष बने पार्टी को लेट गई, पार्टी को अगर बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो रामविलास जी का तो बहुत नाम था, लेकिन इनकी नीति, इनके कर्मों, इनके काम के स्टाइल से, चूँकि ये घर में एसी रूम में बैठ करके पार्टी चलाते थे और 10 दलालों के बीच में चलाते थे, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने पार्टी को बर्बाद करने का, पार्टी संगठित संगठन कहीं पर भी मजबूत नहीं की, जिसके वजह से लोजपा विधानसभा में स्थिति खराब रही, और आज देख लीजिए जब चिराग जी अकेले लड़े तो क्या स्थिति है, और मैं अभी दावा करता हूं कि लोजपा आज अकेले भी अगर चुनाव लड़ेगी ना तो बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी, लेकिन हमारे नेता आदरणीय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीति नियति उनके काम पर विश्वास रखते हैं, उनको राम मानते हुए हनुमान का दर्जा में अपने आप को खुद को रखे हैं, कि भाजपा की नीतियों में, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर उनका विश्वास है कि वो डेवलप भारत की बात करते हैं, बात ही नहीं करते, कर रहे हैं और किया है, इसीलिए हम लोग NDA में मजबूती से हैं और एकदम से हैं, हमारी भी पार्टी का एक अस्तित्व है बिहार में, हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में, मैं संगठन मंत्री हूँ, हमारी पार्टी की पहुँच है और मजबूत हमारे कार्यकर्ता है, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा में हमारे नेता चिराग पासवान नहीं घूम रहे हैं, हम कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में हम लोग पूरा बिहार घूम रहे हैं, और आप देखिए, आप लोग तो देख रहे होंगे ना कि हर एक जिला में हजारों की संख्या में, और आम लोगों को उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, दो पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, वार्ड, वही लोग आते हैं और हजारों की संख्या में एक एक जिला में कार्यक्रम होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लोजपा संगठन के रूप में आज बिहार में बहुत मजबूत है। चलिए अभी के लिए हम छोड़ जाते हैं इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ, बाकी आप लोग देखते रहिए और कॉमेंट बॉक्स में भी जाकर जवाब दीजिएगा। इंजीनियर रविंद्र जी थे लोजपा रामविलास के प्रदेश संगठन मंत्री, काफ़ी दमदार अभी बातें कर रहे थे, और मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।